आरपीएफ कमांडेंट अविद गुंजन को मिली गुप्त सूचना की लाल किला एक्सप्रेस से आ रही भारी मात्रा में शराब जो कि शेरी होल्ड पर उतारी जाएगी। सूचना के बाद मोकामा पहुंचे आरपीएफ कमांडेंट अमित गुंजन, मोकामा आरपीएफ थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह अपने दल बल के साथ एवं बख्तियारपुर आरपीएफ थाना प्रभारी पंकज कुमार दल बल के साथ लाल किला एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान तीन युवक को 80,000 की शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ कमांडेंट अमित कुंजन के द्वारा बताया गया है कि हमारे क्षेत्र में अलार्म चेन पुलिंग की घटना ज्यादा ही हो रही है और कोई दूसरा नहीं करता, शराब माफिया करते हैं। शराब माफिया झारखंड एवं बंगाल से मेल गाड़ियों से शराब छुपा कर लाते हैं और अपने अपने घरों के पास अलार्म चेन पुलिंग कर शराब उतारते हैं। हाल ही में शेरी हाल्ट के पास अलार्म चेन पुलिंग कर शराब उतारी जा रही थी और जवान को देखकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्या मामला है सर? मुकामा मामला ये है कि हम लोग एसीपी को लेकर परेशान हैं। अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा हो रही है और कोई दूसरा नहीं करता है, शराब माफिया जबकि बगल में झारखंड और बंगाल से शराब लाते हैं, मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में इधर उधर छिपा करके लाते हैं और अपने घर के पास उसको गाड़ी को एसीपी करके रोक देते हैं, शराब उतार रहे हैं, जिसके कारण हमारा समय पालन और हमारी समयबद्धता बाधित होती है। तो अब हम लोगों ने भी निश्चय किया है कि इनके पीछे पड़ेंगे और इनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। उसी क्रम में आज 3 शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। सभी बाढ़ के रहने वाले हैं, शहरी हाल पर ये माल उतारते हैं और इनके साथ करीब 80,000 रुपये की दारू पकड़ी गई है। मैं समझता हूँ कि शायद इस सेक्शन की सबसे बड़ी रिकवरी है। बैटरी बॉक्स के अंदर छिपा के लोग लाते हैं, गाड़ी को वहाँ रोकते हैं, मन मर्जी अपनी है इनकी। इनके हथियारबंद साथी वहाँ पहले से खड़े होते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने हमारे स्कोर्ट पार्टी पर गोली भी चलाई थी, जिसमें कई नामजद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, केस भी दर्ज हुआ है। और हमारा अभियान इन लोग के पीछे, जब तक ये लोग काम नहीं छोड़ते हैं इनके पीछे हम लोग लगे रहेंगे। इतनी आसानी से इनको छोड़ने वाले हम लोग नहीं।